हेलो फ्रेंड्स, लास्ट के कुछ लेक्चर्स में हमने देखा था डीएनए का स्ट्रक्चर। आज हम देखेंगे सेंट्रल डोग्मा ऑफ द मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, उसके अंदर होने वाले जो प्रोसेसेस है, जिसके अंदर हम देखेंगे टाइप्स ऑफ आरएनए, ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन। यह बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रोसेस है जो एक सेल के अंदर प्रोटीन फॉर्मेशन की प्रोसेस करती है। यह फर्स्ट हम स्टार्ट करते हैं, व्हाट इज द सेंट्रल डोग्मा ऑफ द मॉलिक्यूलर बायोलॉजी। सेंट्रल डोग्मा ऑफ मॉलिक्यूलर बायोलॉजी क्या है? यह है फर्स्ट डीएनए, पहला डीएनए है जिस डीएनए से फॉर्म होगा सेम डीएनए। डीएनए से डीएनए फॉर्म होने की जो प्रोसेस है, उस प्रोसेस को रेप्लिकेशन कहा जाता है। दैट मीन्स ये है पैरेंटल डीएनए और इस डीएनए से डॉटर डीएनए फॉर्मेशन की जो प्रोसेस है, वो प्रोसेस रेप्लिकेशन थ्रू होती है। डीएनए से आरएनए फॉर्म होता है, डीएनए से आरएनए फॉर्म होता है, मतलब डीएनए के ऊपर जो इन्फॉर्मेशन है वो इन्फॉर्मेशन से आरएनए फॉर्म होता है। ये फॉर्म होने की जो प्रोसेस है, उस प्रोसेस को ट्रांसक्रिप्शन कहा जाता है। और आरएनए से प्रोटीन फॉर्मेशन की जो प्रोसेस है, उस प्रोसेस को ट्रांसलेशन कहा जाता है। इस ओवरऑल टोटल प्रोसेस को कहा जाता है सेंट्रल डॉग्मा ऑफ द मॉलिक्यूलर बायोलॉजी। सेंट्रल डॉग्मा ऑफ मॉलिक्यूलर बायोलॉजी इसे कहा जाएगा। नेक्स्ट है आरएनए। आरएनए क्या है? आरएनए क्या है? इसके अंदर नेक्स्ट है आरएनए का स्ट्रक्चर। यहां हम देखेंगे आरएनए क्या है। आरएनए मींस राइबो न्यूक्लिक एसिड। आरएनए यह राइबो न्यूक्लिक एसिड स्ट्रक्चर कहा जाता है, राइबो न्यूक्लिक एसिड स्ट्रक्चर। डीएनए को डी ऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड कहा जाता है। डीएनए और आरएनए में डिफरेंस है। कैरीज आउट प्रोटीन सिंथेसिस। आरएनए क्या करता है? इट कैरीज आउट द प्रोटीन सिंथेसिस। प्रोटीन सिंथेसिस कैरी आउट करने के लिए आरएनए यूजफुल होते हैं। अब डिफरेंस क्या है डीएनए और आरएनए के अंदर? इसके अंदर थ्री डिफरेंस है, थ्री मेजर डिफरेंसेस है। फर्स्ट इज द डिफरेंट शुगर। आरएनए के अंदर राइबो शुगर होती है और डीएनए के अंदर डी ऑक्सी राइबो शुगर होती है। डी ऑक्सी राइबो शुगर मतलब सेकेंड नंबर का जो कार्बन आइटम होता है, वहां इंस्टेड ऑफ द ओएच ग्रुप वहां सिर्फ हाइड्रोजन मॉलिक्यूल प्रेजेंट होता है, उसे डी ऑक्सी राइबो शुगर कहा जाता है। डिफरेंट शुगर होती है। सिंगल स्टैंडर्ड स्ट्रक्चर है। डीएनए का जो स्ट्रक्चर है वह डबल स्टैंडर्ड है, डबल स्टैंडर्ड हेलिकल स्ट्रक्चर है। और आरएनए का जो स्ट्रक्चर है वह सिंगल स्टैंडर्ड है, सिंगल स्टैंडर्ड है। और डिफरेंट बेसिस होते हैं। थर्ड डिफरेंस बिटवीन द आरएनए एंड डीएनए इज अ डिफरेंट बेसिस। विच बेसिस आर डिफरेंट? तो ये जो आरएनए का स्ट्रक्चर है, इसके अंदर थाइमिन नहीं है, नो थाइमिन। इंस्टेड ऑफ द थाइमिन, थाइमिन इज रिप्लेस बाय द यूरासिल। इसके अंदर नाइट्रोजन बेसिस जो होते हैं, थाइमिन रिप्लेस करता है यूरासिल को। ओके, ये हुआ आरएनए का स्ट्रक्चर। थ्री टाइप्स के आरएनए होते हैं, थ्री टाइप्स के आरएनए होते हैं जो प्रोटीन सिंथेसिस में यूज होते हैं। थ्री टाइप्स के आरएनए होते हैं जो प्रोटीन सिंथेसिस में यूज होते हैं। फर्स्ट टाइप इज द एमआरएनए। एमआरएनए सिंगल स्ट्रैंडेड है और लीनियर स्ट्रक्चर है, जिसका स्टार्टिंग होता है 5 UTR से। 5 UTR से स्टार्ट होता है, 5' UTR से स्टार्ट होता है और 3' UTR पे एंड होता है, जिसके अंदर पॉली ए टेल लास्ट में होती है। नेक्स्ट स्ट्रक्चर है, नेक्स्ट एमआरएनए है टीआरएनए। टीआरएनए जिसके अंदर एक रीजन है जहां अमाइनो एसिड बाइंडिंग साइट होती है, अमाइनो एसिड बाइंडिंग साइट, और वन साइड, एक साइड होती है जिसे एंटीकोडॉन साइट कहा जाता है, एंटीकोडॉन आर्म कहा जाता है। और थर्ड टाइप ऑफ द आरएनए, थर्ड टाइप ऑफ द आरएनए इज द आरआरएनए, जिसे राइबोसोमल आरएनए भी कहा जाता है। ये जो राइबोसोमल आरएनए होते हैं ना, ये राइबोसोम के स्ट्रक्चर के अंदर प्रेजेंट होते हैं, जो एमआरएनए और टीआरएनए को बाइंड करने का काम करते हैं। मैसेंजर आरएनए देखिए, मैसेंजर आरएनए क्या है? कैरीज न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस फ्रॉम द न्यूक्लियस टू राइबोसोम। एमआरएनए क्या करते हैं? न्यूक्लियोटाइड की जो सीक्वेंस होती है वह कैरी करते हैं फ्रॉम द न्यूक्लियस टू द राइबोसोम, कैरीज करने का काम करते हैं। सेकेंड टाइप ऑफ द स्ट्रक्चर इज द टीआरएनए। ये है टीआरएनए का स्ट्रक्चर। पिकअप अमाइनो एसिड, ये क्या करता है? अमाइनो एसिड पिकअप करता है, जिसके अंदर अमाइनो एसिड बाइंडिंग साइट होती है।
अमाइनो एसिड पिकअप करता है कहाँ से? साइटोप्लाज्म से. साइटोप्लाज्म से पिकअप करता है और एंड कैरीज देम टू राइबोसोम. राइबोसोम की ओर तो वो कैरी करता है. और थर्ड टाइप ऑफ द आरएनए इज द आर आरएनए, जिसे राइबोसोमल आरएनए भी कहा जाता है. आरआरएनए फाउंड इन अ राइबोसोम. राइबोसोम के अंदर होते हैं जॉइन. क्या जॉइन करता है? एमआरएनए और टीआरएनए. एमआरएनए और टीआरएनए को जॉइन करता है जो प्रोटीन फॉर्मेशन में यूज होता है. ये हुए थ्री टाइप्स ऑफ द आरएनए. अब देखते हैं प्रोसेस ट्रांसक्रिप्शन की. ट्रांसक्रिप्शन क्या है? व्हाट इज ट्रांसक्रिप्शन? प्रोसेस दैट मेक्स एमआरएनए फ्रॉम डीएनए. ये ऐसी प्रोसेस है जो एमआरएनए फॉर्म करता है डीएनए से. डीएनए से एमआरएनए फॉर्मेशन की जो प्रोसेस है उस प्रोसेस को ट्रांसक्रिप्शन कहा जाता है. ट्रांसक्राइब होता है. क्या ट्रांसक्राइब होता है? डीएनए से एमआरएनए ट्रांसक्राइब होता है. डीएनए यह डबल हेलिकल स्ट्रक्चर है. डबल हेलिकल स्ट्रक्चर में दो स्ट्रैंड होते हैं. इन दो स्ट्रैंड को, डीएनए के दो स्ट्रैंड को अनजिप किया जाता है. अनजिप, उनके अंदर सेम लाइक अ जिप कंडीशन होती है. ओके, जिप्ड कंडीशन होती है, उसे अनजिप किया जाता है. उसे अनजिप करने के लिए यूज को क्या होता है? डीएनए हेलिकेज एंजाइम यूज होता है. वहां डीएनए हेलिकेज एंजाइम होता है जो हाइड्रोजन बॉन्ड ब्रेक करता है और दो स्ट्रैंड, टू स्ट्रैंड आर सेपरेटेड. फ्री फ्लोटिंग आरएनए नाइट्रोजन बेसिस न्यूक्लियस के अंदर होते हैं. फ्री फ्लोटिंग न्यूक्लियस के अंदर जो न्यूक्लियोप्लाज्म होता है ना, उसके अंदर आरएनए नाइट्रोजन बेसिस होते हैं जो फ्री फ्लोट होते हैं. वह पेयर अप करते हैं. किससे पेयर अप करते हैं? जो अनजिप्ड डीएनए है ना, अनजिप्ड डीएनए यानी दोनों स्ट्रैंड सेपरेट हुए हैं, उनसे वो पेयर अप करता है डीएनए नाइट्रोजन बेसिस. और कैसे होता है वो? साइटोसिन पेयर विद द गोनिन और वाइस वर्सा. गोनिन पेयर विद द साइटोसिन. यूरासिल पेयर विद द एडेनिन. अब यहाँ आरएनए है, सिंगल स्टैंडर्ड स्ट्रक्चर है, दोनों स्ट्रैंड सेपरेट हुए हैं, दैट मींस थायमिन के थायमिन का रिप्लेसमेंट हुआ है यूरासिल से. यूरासिल पेयर विद द एडेनिन. वाइस वर्सा होता है, एडेनिन पेयर विद द यूरासिल. और थायमिन होता है ना जो डीएनए के अंदर प्रेजेंट होता है, थायमिन पेयर विद द एडेनिन. यहाँ थायमिन ओनली प्रेजेंट इन द डीएनए. आफ्टर ऑल द पेयरिंग इज डन. सभी पेयरिंग डन होने के बाद क्या होता है? अ सिंगल स्ट्रैंड ऑफ आरएनए हैज बीन प्रोड्यूस. सभी पेयरिंग होने के बाद में सिंगल स्ट्रैंड ऑफ द आरएनए हैज बीन प्रोड्यूस. सिंगल स्ट्रैंडेड ऑफ द आरएनए प्रोड्यूस हो जाता है. जेनेटिक कोड फ्रॉम द डीएनए ट्रांसफर्ड टू द एमआरएनए. जो जेनेटिक कोड है जो डीएनए पे होती है वो ट्रांसफर होती है टू द एमआरएनए. The code obtained from the DNA, जो कोड डीएनए से ऑप्टेन हुआ है, लेट द एमआरएनए नो विच अमाइनो एसिड टू पिक. एमआरएनए को वो नो कराता है क्या कौन सा अमाइनो एसिड पिक करना है. किस लिए? प्रोटीन फॉर्मेशन के लिए. कोड इज द सेट ऑफ थ्री नाइट्रोजन बेसिस. कोड क्या है? यह सेट है थ्री नाइट्रोजन बेसिस का. थ्री थ्री नाइट्रोजन बेसिस का यह सेट होगा जिसे कहा जाता है कोडॉन्स. यहाँ टू स्ट्रैंडेड डीएनए का स्ट्रक्चर है. सपोज यह टू स्ट्रैंडेड डीएनए का स्ट्रक्चर है. यह सेपरेट हुआ है और सेपरेट होने के बाद यह रेड कलर में जो अमाइनो एसिड्स, सॉरी नाइट्रोजन बेसिस जो बाइंड हो रहे हैं, वो नाइट्रोजन बेसिस, दैट मींस वह न्यूली फॉर्म हुआ स्ट्रक्चर है एमआरएनए का. यह देखिए टू स्ट्रैंड ऑफ द डीएनए सेपरेट हुए. ये जो बाइंड हो रहे हैं न्यूक्लियस से, नाइट्रोजन बेसिस बाइंड हो रहे हैं और ये स्ट्रक्चर फॉर्म हो रहा है, दैट इज न्यूली फॉर्म एमआरएनए. ट्रांसक्रिप्शन की प्रोसेस डायग्रामेटिक प्रोसेस है. यहाँ ये है स्ट्रक्चर डीएनए का. जो स्ट्रक्चर है डबल हेलिकल स्ट्रक्चर विच इज कॉल्ड एज द डीएनए, ये डीएनए का स्ट्रक्चर है. ये देखिए यह है डीएनए का स्ट्रक्चर. यहाँ हाइड्रोजन बेसिस ब्रेक होते हैं, हाइड्रोजन बॉन्ड ब्रेक होता है विद द हेल्प ऑफ एंजाइम विच इज कॉल्ड एज द हेलिकेज. हेलिकेज एंजाइम से यह हाइड्रोजन बॉन्डेड ब्रेक हो जाते हैं और यहाँ एक एंजाइम बाइंड होता है जिसे कहा जाता है आरएनए पॉलीमरेज. यह सेट ऑफ द एंजाइम्स होता है. वो क्या करता है? वो न्यूक्लियोप्लाज्म में जो फ्री फ्लोटिंग राइबोसोम नाइट्रोजन बेसिस है वह बाइंड करता है फ्री और सेपरेटेड स्ट्रैंड ऑफ द डीएनए से, बाइंड करता है और उसे लीव अप करता है जिससे न्यू आरएनए फॉर्म हो जाता है.
यह है आरएनए पॉलीमरेज और यह न्यूली फॉर्म आरएनए का स्ट्रक्चर है। अब देखते हैं प्रोसेस ट्रांसलेशन की। व्हाट इज ट्रांसलेशन? ट्रांसलेशन क्या है? कन्वर्जन ऑफ द आरएनए इनटू अमाइनो एसिड सीक्वेंस दैट मेक्स अ प्रोटीन। आरएनए फॉर्म हुआ है, सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए डीएनए से फॉर्म हुआ है। इसका कन्वर्जन अमाइनो एसिड सीक्वेंस से प्रोटीन फॉर्मेशन में करने की जो प्रोसेस है उस प्रोसेस को ट्रांसलेशन कहा जाता है। इस प्रोसेस को कहा जाएगा ट्रांसलेशन। द एमआरएनए लीव्स द न्यूक्लियस। एमआरएनए लीव करता है न्यूक्लियस को। वो फॉर्म कहाँ हुआ है? न्यूक्लियस के अंदर फॉर्म हुआ है। वो न्यूक्लियस को लीव करेगा, वहां न्यूक्लियस को छोड़ देगा और एंटर कहाँ करेगा? साइटोप्लाज्म में। न्यूक्लियस के बाहर का जो स्ट्रक्चर है वह साइटोप्लाज्म है। वो एमआरएनए जो न्यूली फॉर्म हुआ है वो एंटर करेगा साइटोप्लाज्म के अंदर। राइबोसोम अटैच टू द एमआरएनए। उसके बाद क्या होता है? राइबोसोम एमआरएनए को अटैच करता है। टीआरएनए कैरिंग एंटीकोडॉन, जो टीआरएनए एंटीकोडॉन कैरी करता है, पिक अप द करेक्ट अमाइनो एसिड एंड कैरीज देम टू द एमआरएनए स्ट्रैंड फॉर्मिंग प्रोटीन। वो टीआरएनए जो एंटीकोडॉन रीजन कैरी करता है वो प्रॉपर अमाइनो एसिड कैरीज करेगा कहाँ? एमआरएनए तक। और फॉर्मेशन क्या करेगा? वो फॉर्मेशन करेगा प्रोटीन्स को। कैसे? तो उसके ऊपर एक एक अमाइनो एसिड होता है जिनके बाइंडिंग से प्रोटीन फॉर्मेशन हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल क्या है? टीआरएनए जो कैरीज करता है जीएयू, उसके ऊपर है एंटीकोडॉन जीएयू। ये है जीएयू एंटीकोडॉन का रीजन। लुक्स फॉर, किसे लुक करेगा? वो कौन सा कोड वो लुक फॉर करेगा, सर्च करेगा? वो सर्च करेगा CUA को ऑन एमआरएनए स्ट्रक्चर। ये डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ द ट्रांसलेशन। यहाँ ये जो स्ट्रक्चर है, स्ट्रक्चर को न्यूक्लियस कहा जाता है, जिसके ऊपर मेनी न्यूक्लियर पोर है। न्यूक्लियर पोर के स्ट्रक्चर है, न्यूक्लियर पोर कॉम्प्लेक्स है। इस न्यूक्लियर पोर कॉम्प्लेक्स के स्ट्रक्चर से बाहर आता है एमआरएनए। अब तक ये एमआरएनए न्यूक्लियोप्लाज्म के अंदर था, उसका फॉर्मेशन न्यूक्लियोप्लाज्म के अंदर हुआ। अब वो फॉर्म होके बाहर आता है साइटोप्लाज्म के अंदर। साइटोप्लाज्म के अंदर आने के बाद वह सर्च कर, उसके ऊपर बाइंड होता है राइबोसोम का स्ट्रक्चर। राइबोसोम के जो सब यूनिट है, एक लार्ज सब यूनिट होता है और एक स्मॉल सब यूनिट होता है। ये जो सब यूनिट है ये टुगेदर बाइंडिंग करते हैं एमआरएनए के स्ट्रक्चर के ऊपर। और यह एक एक कोड का जो एंटीकोडॉन वाला टीआरएनए होता है वह आके बाइंड होता है वन बाय वन। फर्स्ट का जो एंटीकोडॉन होता है वो होता है, फर्स्ट का जो कोड होता है वह होता है AUG। वो सर्च करेगा बाय द टीआरएनए विच कैरी एंटीकोडॉन UAC, जो मिथ्यूनिन कैरी करता है। फर्स्ट एंटीकोडॉन, फर्स्ट कोडॉन जो होता है वो ऑलवेज AUG होता है, जिससे टीआरएनए जो कैरी करता है UAC और मिथ्यूनिन अमाइनो एसिड जो कैरी करता है वो सर्च करता है। वो फर्स्ट रीजन पे आके बाइंड होता है, उनके अंदर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है बिटवीन द एंटीकोडॉन और कोडॉन रीजन। सेकेंड जो होता है वो कोई भी अमाइनो एसिड कैरी करने वाला एक कोडॉन रीजन होता है, यहाँ है UUC, जो एंटीकोडॉन AAG वाला टीआरएनए सर्च करेगा, जिसके ऊपर है अमाइनो एसिड मिथिल एलानिन। और यहाँ होता क्या है? फर्स्ट जो अमाइनो एसिड है उस अमाइनो एसिड के अंदर और सेकेंड अमाइनो एसिड के बीच, दोनों के बीच एक बॉन्ड फॉर्मेशन होता है, उसे पेप्टाइड बॉन्ड कहा जाता है। दो अमाइनो एसिड के बीच जो बॉन्ड फॉर्मेशन होती है उस बॉन्ड फॉर्मेशन को पेप्टाइड बॉन्ड कहा जाता है। यहाँ ये है स्टार्ट कोडॉन। ये नेक्स्ट स्टेप में क्या होता है? नेक्स्ट स्टेप में जैसे ही ये बॉन्ड फॉर्मेशन होती है, ये टीआरएनए जो फ्री फ्रॉम अमाइनो एसिड है ये लीव करता है राइबोसोम के स्ट्रक्चर को। राइबोसोम का स्ट्रक्चर वो छोड़ देता है। फिर क्या होता है? थर्ड नंबर का जो कोडॉन रीजन है, जहाँ यहाँ है AAA, कोई भी एक कोडॉन वहां हो सकता है, उसके ऊपर आगे का जो टीआरएनए है जो आगे का अमाइनो एसिड कैरी कर रहा है
वह आके बाइंड हो जाता है। अब यहाँ ऑलरेडी टू अमाइनो एसिड्स थे, उनके बीच एक पेप्टाइड बॉन्ड फॉर्मेशन हुआ है। सेकेंड और थर्ड अमाइनो एसिड के बीच और एक पेप्टाइड बॉन्ड फॉर्मेशन होता है और वो वही अटैच हो जाता है, फ्री अमाइनो एसिड टीआरएनए वहां से लीव हो जाता है। इस तरह वन बाय वन एक एक टीआरएनए जिस तरह वह कोड ट्रिपलेट कोड है उस तरह वो टीआरएनए आके बाइंड होते हैं और ये वो यहाँ अमाइनो एसिड लीव करके वो वहां से लीव हो जाते हैं और यहाँ पेप्टाइड पॉलीपेप्टाइड चेन फॉर्म हो जाती है। ये देखिए यहाँ ग्रोइंग पॉलीपेप्टाइड चेन है, ये राइबोसोम का स्ट्रक्चर है जहाँ लास्ट वाला टीआरएनए आके बाइंड हुआ है और ये जो फ्री ऑफ द अमाइनो एसिड टीआरएनए है ये यहाँ से लीव हो रहा है। इस तरह वन बाय वन अमाइनो एसिड बाइंडिंग से यह पॉलीपेप्टाइड चेन फॉर्म होती है और बहुत सारे अमाइनो एसिड की पॉलीपेप्टाइड चेन मींस क्या है, यह एक प्रोटीन फॉर्म हुआ है। इस तरह प्रोटीन फॉर्मेशन की प्रोसेस होती है सेल के अंदर। प्रोटीन फॉर्मेशन की प्रोसेस इस तरह होती है, इस प्रोसेस को ट्रांसलेशन कहा जाता है। फ्रेंड्स, मैंने आज आपको सेंट्रल डॉग्मा ऑफ द मॉलिक्यूलर बायोलॉजी दैट मींस जिसके अंदर थ्री टाइप्स ऑफ द आरएनए के स्ट्रक्चर है, ट्रांसक्रिप्शन क्या है और ट्रांसलेशन क्या है, यह बहुत ही इजीली और डायग्रामेटिक रिप्रेजेंट से बताया है। आपको यह वीडियो अगर अच्छा लगा हो, इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल ऐसे एजुकेशन को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।